और अब कांकेर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ की सूचना सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान एक जवान के घायल होने की भी खबर है। जवाबी फायरिंग के दौरान नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में एक नक्सली घायल भी हुआ है, महिला नक्सली बताई जा रही है। आरकेबी डिवीजन की सदस्य महिला नक्सली को बताया गया है। बड़गांव थाना क्षेत्र के मेंढरा जंगल के पास मुठभेड़ हुई और मौके से आला अधिकारियों को तमाम सामग्रियां भी मिली हैं। मेडिकल टीम भी वहां पर रवाना की गई, फौरन उपचार जवानों को दिया गया है। महिला नक्सली इस मुठभेड़ में जिसकी मारे जाने की खबर है, आरकेबी डिवीजन की सदस्य बताई जा रही है। महिला नक्सली जो कि फिलहाल घायल है, जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। एक जवान के घायल होने की सूचना, फौरन मेडिकल उपचार जवान को दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि लगातार नक्सली की सक्रियता, बढ़ती सक्रियता के बावजूद सुरक्षा बल लगातार जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा है। जवाबी कार्रवाई के दौरान ही कई सारे नक्सली भी मारे जाते हैं। एक बार फिर से महिला नक्सली के घायल होने की खबर सामने आई है, एक जवान भी घायल हुआ है। आप देख रहे हैं कांकेर की यह घटना, लगातार मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर है। जवान के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर और क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, आपसे हम जानना चाहेंगे घायल जवान की स्थिति फिलहाल कैसी है और क्या इलाके से नक्सली निकल चुके हैं या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी? जी देखिए, बीती रात जो है बड़गांव और थाना क्षेत्र के उपांजूर जो प्रभावित नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पुलिस बीएसएफ की जो संयुक्त पार्टी है उसके ऊपर जो है नक्सलियों ने फायरिंग कर दी थी। उसके बाद जो है जवाबी फायरिंग में जो है सुरक्षा बल के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें फायरिंग के दौरान जो है एक बीएसएफ के जवान विकास सिंह जो है घायल हो गए थे। हालांकि उनको प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और आला अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है। वहीं जवाबी फायरिंग में जो है नक्सलियों को भी जो है घायल होने की खबर निकल कर आ रही थी और अभी इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट ये है कि जो घायल नक्सली महिला नक्सली भगनी को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और वो भी घायल स्थिति में है और उसको बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण इस पूरी चर्चा के लिए। लगातार नक्सली की बढ़ती सक्रियता, साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उसकी भी प्रशंसा लगातार होनी चाहिए।